नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड तथा भीलवाड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड पर कांग्रेस समर्थकों ने परचम लहराया। दोनों ही संस्थाओं में राजस्व मंत्री रामलाल जाट अपने नजदीकियों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष बनाने में कामयाब रहे। दोनों संस्थाओं में 12 सदस्य बोर्ड है। कुल हुए चुनाव के बाद आज सुबह 10 बजे MG हॉस्पिटल परिसर स्थित उपभोक्ता भंडार के प्रधान कार्यालय में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन शुरू हुआ। नगर परिषद के पूर्व सभापति कांग्रेस नेता ओम प्रकाश नारायणीवाल ने अध्यक्ष तथा चारभुजा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार एकलिंगपुरा अध्यक्ष रेखा गार्डी ने उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन अधिकारी सुनील व्यास के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। अंतिम समय 11 बजे तक अन्य कोई नामांकन नहीं आया। दोनों के फार्मों की जांच की गई। नाम वापसी के अंतिम समय के बाद निर्वाचन अधिकारी व्यास ने कांग्रेस नेता नारायणीवाल को निर्विरोध अध्यक्ष व गाडरी को निर्विरोध उपाध्यक्ष घोषित कर दिया। उधर भीलवाड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड में भी सीताराम की बावड़ी के पास स्थित संस्था कार्यालय पर आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव हुए। 4 बार 8 उन सरपंच रहे भाजपा के स्वर्गीय जगदीश पालीवाल के पुत्र मुकेश चंद्र पालीवाल ने निर्वाचन अधिकारी राजीव काजोल के सामने अध्यक्ष के लिए दावेदारी जताई। उन्हें कांग्रेस समर्थित डायरेक्टर का समर्थन भी मिला। वहीं उपाध्यक्ष के लिए मंडपिया GS अध्यक्ष शंकरलाल कुमावत ने फॉर्म भरा। दोनों पदों के लिए एक एक नामांकन आने पर उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। उपभोक्ता भंडार व KVS के निर्वाचन अधिकारियों ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को निर्वाचन का प्रमाण पत्र सौंपा। इसी के साथ उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने पदाधिकारियों को माला पहनाकर स्वागत किया और मुंह मीठा कराया। आज भीलवाड़ा सहकारी उपभोक्ता संघ के लिमिटेड के जो कल चुनाव हुए और कल ही रिजल्ट आ गया, उसमें हमारे पहले 7 डायरेक्टर निर्विरोध आ गए थे और कल 5 डायरेक्टरों का चुनाव और आम वोटरों ने हमारे पूरे पैनल को मत देकर हमको सबको अच्छे मतों से जिताकर भेजा और आज हम यहाँ जो है हमने या संचालक मंडल के सभी सदस्यों ने बहनों ने जो है सर्टिफिकेट लिए और उसके बाद हमारे आलाकमान नेताओं ने जो और हमारे सब डायरेक्टरों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए मेरा नाम का मैंने फार्म भरा और सिंगल फार्म आया। उसी तरह उपाध्यक्ष पद के लिए रेखा गाडरी वैभव शंकरलाल जी गाडरी का नाम आया और दोनों फार्म जो है निर्विरोध आए। उसको बाकी कोई फार्म नहीं आया है। अब औपचारिक घोषणा जो भी डिपार्टमेंट की जो चुनाव की है वो अब होनी है, लेकिन फर्म दोनों ही है। क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारी पहली प्राथमिकता है कि भी जो भीलवाड़ा उपभोक्ता भंडार है वो आम उपभोक्ताओं की सेवा कर सके और जैसा हमने अभी जो सोच रखा है कि आने वाले समय में भीलवाड़ा शहर के सभी वार्डों में सुपरमार्केट बने, हर विधानसभा और हर नगरपालिका क्षेत्र में हेडक्वार्टर पर उपभोक्ता भंडार के भंडार खोलेंगे और आम उपभोक्ताओं को अच्छी चीज़ कम कीमत पर मिल सके। हम सब साथी मिलकर ऐसा हम काम करेंगे ताकि आम उपभोक्ताओं से हम जुड़ सकें। सहकार उपभोक्ता भंडार है या तो सहकारी जो संस्था है वो किसी पार्टी का नहीं होती है और उसमें आपको जो है मौका जनता की सेवा करने का मौका है। आज राजनीति भी जो है एक सेवा का ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो कुछ लोग जिन लोगों ने इसको धर्म के आधार पर जोड़ दिया, जबकि राजनीति केवल सेवा का आधार है। इसलिए चाहे अब आज उपभोक्ता भंडार है तो हम जो है सभी उपभोक्ताओं जो जिले के हमारे उपभोक्ता हैं हम उनको जोड़कर उपभोक्ता भंडार के माध्यम से उनको अच्छी सेवाएँ देंगे। जैसा मेडिकल में जो है हम उनको और दवाइयों में छूट प्रदान करेंगे। भंडार भीलवाड़ा उपभोक्ता भंडार की अपनी जमीन लेकर या सुपरमार्केट बड़ा सुपरमार्केट हमारा बनाने की हमारी योजना है और इसमें जितने भीलवाड़ा शहर के निकटवर्ती सुहाणा के पास कोठारी नदी पर बने एनीकट को तोड़कर पानी निकालने के पीछे एनीकट के मरम्मत की मंशा है या बजरी माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए यह दुस्साहस किया गया है। लोगों में चर्चा है कि एनीकट की मरम्मत पहले भी हो सकती थी, लेकिन कुछ बजरी माफियाओं के पीछे चाल हो सकती है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के सरपंच द्वारा एनीकट मरम्मत की मांग की गई थी। इस पर राजस्व मंत्री द्वारा करीब 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए गए और इसी के चलते LNT मशीन से एनीकट तोड़कर पानी निकाला जा रहा है। सिंचाई विभाग सूत्र
में भी मरम्मत की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों में चर्चा कोई और ही है। इस एनीकट से आसपास के क्षेत्र का पानी का लेवल भी ऊंचा रहता है और नदी में कुछ लोग खेती भी करते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों पर शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. ग्लेन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulates the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. Hamare school mein bachchon ke liye music, dance, karate, computer, games, luxury facilities uplabdh hain. Ken Oxford Convent International School aapke bachche ka sunahara bhavishya. क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है, ताकि आप तक पहुँचे उच्च गुणवत्ता की दवा वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50-90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रूपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रूपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र रूपए 525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने मानिक्य नगर रोड भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसव, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लेगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल, सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारी नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में
नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांझलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता, शॉप नंबर 5 महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकेज, फुलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधारकर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अनियंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरियंत हॉस्पिटल अरियंत मार्ग शास्त्री नगर भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482-250-290-253-101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के महा के निःशुल्क शिविर पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर जीएल शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा, कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा, योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला एमजीएच परिषद भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा, पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा, श्वास पुरानी खांसी जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, परामर्श डॉक्टर एसएन नुवाल सुहाशकर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। स्थानीय सेवा भारती समिति द्वारा नेहरू विहार रिंग रोड स्थित भूखंड पर छात्रावास भवन सेवा धाम बनाया जाना प्रस्तावित है। इसकी नींव का शुभ मुहूर्त उदासीन आश्रम, सनातन मंदिर, हरि सेवा धाम के पूजनीय संत मायाराम के पावन सानिध्य एवं अशोक कोठारी, त्रिलोकचंद छाबड़ा, नारायण लाल लड्डा, बनवारी लाल मुरारका, कमल कंदोई, राधा किशन सोमानी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री सेवा भारती मूलचंद सोनी, प्रांत संगठन मंत्री सेवा भारती गोविंद कुमार, प्रांत अध्यक्ष सेवा भारती विवेक बोहरा, प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चित्तौड़ प्रांत विजयनंद की करीमामय स्थिति में हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। सेवा भारती के महानगर प्रचार मंत्री भैरव प्रसाद पारीक ने बताया कि शुभ मुहूर्त के कार्यक्रम में प्रांतीय कार्यकर्ता गोपाल जिंगर ने सेवा भारती द्वारा संचालित शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन एवं सामाजिक क्षेत्र में किए जा रहे सेवा कार्यों के संदर्भ में बताया। मंचासीन अतिथियों ने भी अपने सुविचार रखे। संत मायाराम ने अपने उद्बोधन में कहा कि निष्काम निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही सच्ची सेवा है। उद्योगपति गौ भक्त एवं समाज सेवी अशोक कोठारी ने भी अपने उद्बोधन में प्राणी मात्र की निस्वार्थ सेवा को ही ईश्वर सेवा बताया। विजयनंद ने प्रबोधन दिया। दानदाताओं ने भी आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की। अंत में सेवा भारती के महानगर अध्यक्ष बाबूलाल जैन ने उपस्थित सभी अतिथियों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। मंच संचालन सेवा भारती के प्रांत कोषाध्यक्ष कैलाश मुंदड़ा ने किया।
भीलवाड़ा शहर के शास्त्री नगर स्थित अहिंसा भवन के चंदन बाला महिला मंडल के चुनावों में वरिष्ठ सुश्राविका रीता बाबिल को निर्विरोध अध्यक्ष मनोनीत किया गया। चुनाव अधिकारी स्मिता पिपाड़ा के निर्देशन में संपन्न चुनाव प्रक्रिया में निर्विरोध संरक्षक मंजू बाफना, मंजू पोखरना, उपाध्यक्ष वनीता बाबिल, मंत्री रजनी सिंघवी, सहमंत्री वंदना लोढ़ा, कोषाध्यक्ष सुनीता झामड़, प्रचार प्रसार मंत्री आशा संचेती, शिक्षा मंत्री सरोज मेहता, संगठन मंत्री रश्मि लोढ़ा चुने गए। निर्विरोध अध्यक्ष मनोनीत होने पर नीता बाबिल ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जिस उम्मीद के साथ महिला मंडल ने मेरा निर्विरोध मनोनयन किया है उस पर खरी उतर सकूं। इसके लिए आप सभी का सहयोग अत्यंत जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि अहिंसा भवन श्री संघ के संरक्षक हेमंत आंचलिया, अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बाबिल, मंत्री ऋखभ चंद पिपाड़ा, निवर्तमान अध्यक्ष अशोक पोखरना सहित सभी वरिष्ठ सुश्रावकों का सहयोग लेकर उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। आगामी चातुर्मास में चंदन बाला महिला मंडल पूरा प्रयास करेगा कि जब तब भक्ति के विभिन्न आयोजनों के माध्यम से धर्म संदेश जन जन तक पहुंच सके, जिन शासन की प्रभावना एवं श्री संघ की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सब मिलकर कार्य करेंगे। बैठक में चंदन बाला महिला मंडल की निवर्तमान अध्यक्ष प्रतिमा बम, सुशीला चाजेड़, निधि सांड, मधु बिरानी, मंजू बम, प्रीति पोखरना, सालेशा, कैलाश चौधरी, विमल खटोर सहित कई सदस्य मौजूद थे। इमैनुअल मिशन सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर भीलवाड़ा का सेकेंडरी कक्षा का परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ रहा। यह बैच CBSE का प्रथम बैच था। उस पर भी श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर विद्यालय परिवार को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया। इस हेतु समस्त विद्यालय परिवार, अभिभावक एवं छात्र छात्राएं बधाई के पात्र है तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। यह विद्यालय के अथक प्रयास एवं छात्र छात्राओं के कठिन परिश्रम का ही नतीजा है। प्रथम बैच का श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम आने से विद्यालय में उत्सव का माहौल बन गया। विद्यालय में 13 मई को जश्न मनाया गया। विद्यालय के प्रबंधक महोदय एवं प्रधानाध्यापिका के द्वारा माला पहनाकर छात्रों का स्वागत व सम्मान किया गया तथा सभी को मिठाई बांटकर उत्सव मनाया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अजय शर्मा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा के निर्देशानुसार आज राजपाल सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा ने बाल संप्रेषण गृह, सुरक्षित स्थान, किशोर गृह एवं शिशु गृह पालड़ी का भीलवाड़ा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा द्वारा अधीक्षक गौरव सारस्वत से राजकीय संप्रेषण एवं बाल गृह पालड़ी से किशोरों के स्वास्थ्य तथा उनको दी जा रही अन्य चिकित्सा सुविधाएं बाबत विस्तृत जानकारी ली गई। निरीक्षण में साफ सफाई, भोजन, आहार की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, बालगृह का वातावरण एवं वहां किशोरों के रखने की व्यवस्था व बालकों के हितों की रक्षा आदि को देखा गया। राजपाल सिंह ने निरीक्षण के दौरान आवश्यक निर्देशक अधीक्षक गौरव सारस्वत को दिए। विजय सिंह पतिक नगर भीलवाड़ा के बड़े पार्क में विगत 6 वर्षों से योग शिक्षक प्रेम शंकर जोशी के निर्देशन में चल रही निःशुल्क योग कक्षा का आज भारत स्वाभिमान न्यास के जिला प्रभारी भीमा राम ने आकस्मिक अवलोकन किया तथा प्राणायाम के साथ योग का अभ्यास कराया एवं कम समय में अधिक लाभ के योगाभ्यास सिखाए। सभी को योग का महत्व समझाते हुए कहा कि पतिक नगर की योग कक्षा अच्छी संख्या में अनुशासित संचालित हो रही है। इसके लिए सभी योग साधकों व योग शिक्षक का पुरुषार्थ सराहनीय है। उनके दिनांक 27 से 29 मई को प्रातः 5 बजे से 7:30 बजे तक आदित्य विहान हनुमान टेकरी के पीछे तेरापंत नगर के पास भीलवाड़ा में आयोजित हो रहे योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज के 3 दिवसीय योग चिकित्सा एवं ध्यान शिविर की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए शिविर में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर लाभ लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर पतंजलि परिवार के रूप सिंह, होशियार सिंह, जगदीश सिंह भी उपस्थित थे। मंजिल योजना के अंतर्गत जिले के व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालय में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों को 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होटल कांच रिजॉर्ट में किया गया। इस कार्यक्रम का समापन भीलवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक महावीर शर्मा, योगेश पारिक, ASDP लेखराज मित्तल, उप निर्देशक ललित मोहन शर्मा, अतिरिक्त उप निर्देशक दिनेश कोहली, APC व कार्यक्रम अधिकारी राजेश मीणा के द्वारा किया गया। समसा राज्य कार्यालय से REI उप निर्देशक व अतिरिक्त उप निर्देशक ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का औचक निरीक्षण किया एवं सभी ट्रेनर्स ने फीडबैक प्राप्त भी किया। मंजिल कार्यरत अंतर्गत टेक महिंद्रा फाउंडेशन के सहयोग से व्यावसायिक प्रशिक्षणों के प्रशिक्षण कौशल को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा द्वारा अधिकाधिक लाभान्वित करने हेतु 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन मंजिल कार्यक्रम अंतर्गत किया गया। इस प्रशिक्षण का आयोजन मंजिल कार्यक्रम संचालित सभी जिलों में किया जाएगा। इस अवसर पर मंजिल परियोजना से आकांक्षा धीरज, मानसिंह शेखा व जितेंद्र सिंह चर्चेदार नीच मंजिल परियोजना राजस्थान राज्य के 6 जिलों में व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।